नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल IBSE इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि क्योंकि कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा साइंस जो इंग्लिश है उसका वीडियो नहीं आ पाया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है आराम से कर लेंगे। आज जो है ना हम वीडियो लेकर आए हैं वो भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और पूरे 5 नंबर का वीडियो है। क्या है, क्या इसमें पढ़ेंगे हम, सबसे पहले देखिए। आज का हमारा नया टॉपिक होगा मोस्ट विजुअल एड पैराग्राफ फॉर 2021। मतलब हमारे जो है ना जो हमारा मॉडल पेपर जो हमारा इंग्लिश का पेपर होगा उसमें 2600 प्रश्न आया जाएगा और 2600 प्रश्न क्या होगा पैराग्राफ लिखने का। लेकिन यह पैराग्राफ अलग है। यह पैराग्राफ कैसे है, इसमें हमने एक चित्र दे रखा होगा और इस चित्र को देखकर हमें क्या लगा है उसके ऊपर एक टॉपिक बनाना और टॉपिक जो है ना उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। कैसे होगा, किस तरीके से लिखना है, देखिए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द विजुअल एड। क्या है आज का टॉपिक, शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द विजुअल एड। अब इसको जो है ना हमें कैसे करना है वो जो है ना आज हम करेंगे। और सबसे पहले मोस्ट पैराग्राफ कौन से उसको पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जो है ना आपने मॉडल पेपर देख रखा है तो इस मॉडल पेपर को जो है ना हमने यहाँ पर ला लिया। देखिए ये जो है आपके मॉडल पेपर का हमने भाग लिया है छोटा सा जिसमें यह पैराग्राफ दे रखे है। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए ये 5 नंबर का प्रश्न है और इसमें 2 तरीके के पैराग्राफ पूछे गए। देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले 2400 प्रश्न देखिए, ये आप देखिए, देखिए 2400 प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया, ठीक है। सेक्शन डी में है और 2400 प्रश्न में सबसे पहले तो ये आपको एक चित्र दे दिया गया है, ठीक है। अब इस चित्र को देखकर आपको उस इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। अब इसको देखकर सबसे पहले तो आपको सोचना होगा कि यह है क्या, सबसे पहले तो आपको सोचना होगा कि यह है क्या, ठीक है। यह सोच लिया उसके बाद उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है तो यह थोड़ा टफ पड़ता है। तो इसके लिए जो है ना एक और में भी चित्र हमें दे रखा है जो कि क्या, देखिए और लिखकर हमें दे रखा है, और लिखेगा हमें ये क्या दे रहेगा, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड। हमें एक विजुअल एड दे रखी जो कि यह है और यहाँ पर लिख रखा है स्टॉप चाइल्ड लेबर। देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पर लिख रखा है स्टॉप चाइल्ड लेबर, मतलब चाइल्ड लेबर को स्टॉप कीजिए, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। मतलब एक तरीके से हम देखें ना, इस बार खास बात क्या है कि 5 नंबर में आपको ये जो फोटो वाले प्रश्न है ना इसमें आपको फोटो ठीक है देख लेने का, लेकिन इस सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको देखिए नाम भी दे रखा है कि किसके ऊपर लिखना है। तो आपको किसके ऊपर लिखना है, स्टॉप चाइल्ड लेबर, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से जो है आपको कोशिश करनी है कि दूसरा में जो और वाला है जिसमें हेडिंग दे रखी है उसके ऊपर भी लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर लिख लेते हैं। देखिए आपका आंसर कौन सा है, ये आपका 2600 है, ठीक है, मैंने 2500 लिख लिया, 2600 है। तो इस 2600 को हम इसके ऊपर लिख लेते हैं, देखिए स्टॉप चाइल्ड लेबर, इसे जो हम लिखते हैं। देखिए क्या बोल रखा है, देखिए आपको जो है ना मैं मोस्ट 5 बताऊंगा, इसके बाद 300 और बताऊंगा जिसको जो है आप पढ़ लेना जो इस साल आ सकते हैं। इस बार मैं आपको मोस्ट बताता हूँ। देखिए स्टॉप चाइल्ड लेबर, ये आपका हेडिंग हो गया, इस तरीके से लिखना है आंसर लिख के। अब आपको लिखना है, देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चिल्ड्रन बिलो द एज ग्रुप ऑफ 14 ईयर्स आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड टू बी इन्वॉल्व इन फैक्ट्री माइन और अदर एम्प्लॉयमेंट इन एनी वेज। देखिए अकॉर्डिंग का मतलब होता है, आपने सुना होगा, के अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, तो इंडिया के संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, चिल्ड्रंस मतलब बच्चे बिलो द एज, बिलो मतलब नीचे, एज ग्रुप ऑफ 14 ईयर्स मतलब 14 साल के जो आपके लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उस एज से नीचे वाले जो है ना उनको कम्प्लीटली पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड मना कर दिया गया है टू बी इन्वॉल्व इन फैक्ट्री माइन और अदर एम्प्लॉयमेंट इन एनी वेज। मतलब किसी भी तरीके से 14 साल के जो कम के बच्चे हैं ना, कम उम्र के बच्चे हैं, उनको फैक्ट्री हो गई, माइन मतलब खादाना हो गई, या फिर किसी भी आपको नौकरी करने के लिए जो है इन बच्चों को मना बोला गया है, किसमें, भारतीय संविधान में, ठीक है, यह जो है इसका मतलब है। इसके बाद देखिए, They should be provided free and compulsory education by the state government। वे जो है ना उनको क्या है, फ्री और अनिवार्य रूप से जो है ना क्या शिक्षा प्रदान करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट सरकार द्वारा, मतलब राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। बट देर आर मैनी चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एंड अदर वर्क प्लेसेस। लेकिन हमारे देश में फैक्ट्री और कई स्थानों पर जो है ना कई कार्य स्थल पर जो है बहुत सारे चिल्ड्रन देखे जाते हैं। दे आर नॉट प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन एंड मैनी ऑफ देज आर फेसिंग, देखिए मैनी ऑफ देज आर फेसिंग, क्या लिखा है,
मैनी ऑफ दीज आर फेसिंग हंगर पॉवर्टी होमलेस। ठीक है, मतलब देखिए उनको जो है ना फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है और उनमें से बहुत से तो जो है वो हंगर मतलब भूख, पॉवर्टी मतलब गरीबी और होमलेस मतलब बिना घर के जो अपना जीवन है वो जी रहे हैं। ठीक है, मैनी ऑफ दिस हैव नॉट प्रॉपर क्लोथ्स, और बहुत से बच्चों के पास जो है ना अच्छे से अपना ढंग से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। द गवर्नमेंट हैज़ लुक इन टू दिस प्रॉब्लम एंड हैव टू फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट है जो हमारी सरकार है उसको इस जो प्रॉब्लम है समस्या है इसके बारे में देखना चाहिए और कोई ना कोई सोल्यूशन मतलब रास्ता निकालना चाहिए। देज चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर स्टेटस। इन बच्चों को जो है ना मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए और उनके स्टेटस मतलब उनकी जो स्थिति है उनको सुधारने में कोशिश की जानी चाहिए। तो यह है आपका स्टॉप चाइल्ड लेबर के ऊपर अगर आ जाए तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड है आपका सबसे मोस्ट है जो कि क्या है, साफ दिख रहा होगा फाइट अगेंस्ट कोरोना, आपको इसमें दिख रहा है फाइट अगेंस्ट कोरोना। देखिए मैंने ये जो आपको ये सवाल दे रहा हूँ, जो पैराग्राफ दे रहा हूँ ना, वह दूसरे के ऊपर भी दे रहा हूँ। पहले तो आपको करना नहीं है, ठीक है, समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि जो दूसरा है वो आपको आ नहीं रहा है। तो पहला जो है यदि आपको समझ में आ जाए तो पहला भी इस तरीके से करना है और दूसरे में तो पहले से हेडिंग दे रखी है तो आपको समझ में वो तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो फाइट अगेंस्ट कोरोना या फिर देखिए कोरोना वाला जो है यहाँ पर आपको फोटो दे दिया गया है। अब आप एग्जाम में जाते हो और एग्जाम में कहीं भी आपने देख लिया कोरोना के ऊपर यदि आ जाए ना, ठीक है ना, हाउ टू स्टे फ्रॉम कोरोना, सेफ फ्रॉम कोरोना, किसी भी तरीके से कोरोना के ऊपर आ जाए तो आपको जो है ना यह लिखना है। मैंने इस तरीके से इस पैराग्राफ को तैयार किया है कि कोई भी पैराग्राफ कोरोना के ऊपर आ जाए आप इसमें यह लिख कर आ सकते हो, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो क्या है देखिए, कोरोना ये लिखा, इसके बाद ना लिखा आपने देखिए, कोरोना वायरस इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कॉज इलनेस रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोस्ट सेवर डिजीज। मतलब ये जो कोरोना वायरस है ना वो वायरस जो विषाणु होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी फैमिली है जो कि सामान्य बीमारी से जो है ना वो बहुत बड़ी बीमारी तक जो है इंसान को ले जाती है। तो कोरोना वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द सिटी ऑफ वुहान ऑफ चाइना इन दिसंबर। जो कोरोना वायरस वो सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में पाया गया था दिसंबर में। ठीक है, द कोरोना वायरस इज नेम्ड COVID-19 बाई WHO, जो WHO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था, COVID-19, मतलब 2019 में आया था इसलिए, या फिर कोई जो भी है COVID-19 इसका नाम दिया था। इट इज़ वेरी डेंजरस वायरस एंड स्प्रेड वेरी फास्ट, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और जो है ना बहुत ही तेजी से फैलता है। स्प्रेड मतलब फैलना, ये आप समझ जाइए। If someone attacked by this virus and not treated initially, it can be lead to death. ठीक है ना, अब यदि किसी को कोरोना अटैक कर लेता है यानी कोरोना के संपर्क में आ जाता है तो उसको, और यदि उसको सही समय पर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इनिशियल स्टार्ट में नहीं किया गया, तो उसको जो है वो मृत्यु भी हो सकती है, इतना खतरनाक है ये। ठीक है ना, तो इसके बाद बोला है कि सो वी हैव टू अवेयर ऑफ दिस वायरस एंड कीप प्रिकॉशन, इसलिए हमें इस वायरस से जो है वो जागरूक होना चाहिए और जो है ना कीप मतलब रखना और प्रिकॉशन PRECAUTIONS प्रिकॉशन मतलब सावधानियाँ जो है वो रखनी चाहिए। ठीक है ना, ये आप जो है समझ जाइए सावधानियाँ, प्रिकॉशंस मतलब सावधानियाँ, इस स्पेलिंग को आप याद कर लीजिए, आपको बहुत जगह काम आने वाली है। इसके बाद देखिए, वी शुड यूज़ अ मास्क इन पब्लिक प्लेसेस, हमें जो है ना पब्लिक प्लेसेस में मास्क का यूज करना चाहिए। वी शुड मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस इन पब्लिक प्लेसेस, हमें जो है ना पब्लिक प्लेस होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर जो है वो सही से दूरी जो है उसका पालन करना चाहिए। एंड वॉश अवर हैंड रेगुलरली, ठीक है ना, और हमें हाथ को जो है ना नियमित रूप से धोना चाहिए। साथ साथ अंत में बोला है कि बिकॉज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, एक आपका मुहावरा है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, जो प्रिकॉशन है ना वो आपको मतलब सावधानियाँ जो है ना वो उपचार से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यह जो है आपके कोरोना के ऊपर है। अब इसकी खास बात क्या है, देखिए आपको बोल लिया कि कोरोना के ऊपर लिखो तो भी आप लिख सकते हो, आपको बोल लिया कि हाउ टू सेफ इन कोरोना वायरस तो भी जो है आप लिख सकते हो, और आपको बोल लिया कि क्या इस कोरोना वायरस की जो आपको नुकसान है इसके क्या है वो भी आप लिख सकते हो, सब में कोरोना कहीं आ जाए ना तो इसको जो है आप लिख सकते हो, इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। अब तीसरा है आपका, देखिए यह आंदोलन जो है ना बहुत ही अच्छे से चला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना,
और साथ ही साथ जो है ना खास बात क्या है कि मैंने आपको पैराग्राफ करा रखे है ना उसमें भी ये सारे टॉपिक ले रखे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये जो आपको दो जगह यूज आ जाएंगे। आपको मुझे आपको ये बताना था कि आपने जो वहाँ पर पैराग्राफ लिखा है ना वो कब वो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। देखिए क्या बोल रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन हिंदी इसे एज ए जो है आपको लिखना है, और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है आपको बोल रखा है यहाँ पर, मतलब साफ समझ में आ गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपको पूरा बोल रखा मैंने जो है वहाँ पर लिखवा रखा है, वहाँ जाके जो है आप देख सकते हो पैराग्राफ में, और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ सोशल स्कीम लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट्स वेरी इफेक्टिव स्कीम बिकॉज देयर इज एन इम्बैलेंस इन द बर्थ रेट एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है ना वो बहुत ही इफेक्टिव अभियान है जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्टार्ट किया है, और यह जो है ना बहुत ही इफेक्टिव अभियान है क्योंकि हमारे जो देश है ना उसमें जो लिंगानुपात है उसमें बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस है, मतलब असंतुलन है, और साथ ही साथ हमारे देश में जो लड़कियां होती हैं उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। पीपल टेक दियर डॉटर फॉर अदर्स वेल्थ, जो लोग हैं ना वो अपनी बेटी को दूसरों का धन समझते हैं, पराया धन समझते हैं, इसलिए देश शो डिफरेंस बिटवीन द सन एंड द डॉटर, और जो है ना वे अपने बेटी और बेटे में फर्क समझते हैं, आपको भेदभाव करते हैं, इट इज़ वेरी शेमफुल कर्स टू अवर सोसाइटी, यह जो है ना बहुत ही जो है ना शर्मनाक अभिशाप है हमारे समाज को, सोसाइटी मतलब समाज। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम विल अवेयर पीपल नॉट टू डू दिस, और इसलिए जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान है ना वो पीपल जो लोग हैं उसको अवेयर करेगी कि इस तरीके से ना करें। द पीपल शुड गिव एजुकेशन टू दियर डॉटर्स इक्वल टू दियर सन्स, पीपल जो है ना उनको जो है ना अपने जो बेटी है ना उनको बेटों का समान शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। वी शुड अवेक पीपल टू द इम्पोर्टेंस, इसके बाद क्या लिखा है, देखिए वी शुड अवेक पीपल टू द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल, ठीक है ना, मतलब हमें जो है ना पीपल को जो एक कन्या है जो बालिका जो बच्ची है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है समाज में उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। इफ़ गर्ल्स एंड पीपल शुड बी एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट हैपन, मतलब यदि लड़की और जो लोग हैं उसको यदि हम एजुकेटेड कर दें उनको ये बता दें कि लड़की समाज में कितनी महत्वपूर्ण होती है तो इस तरीके के भेदभाव जो है वो होंगे ही नहीं। तो इस तरीके से जो है ये लिखने है, बात उम्मीद है कि बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चौथा है आपको देखिए क्या दिख रहा है, साफ आपको दिख रहा है विलेज फेयर, इस साल जो है ना आपको पैराग्राफ में और लोकल फेयर भी आ रखा है इसलिए मैंने इसको लिया है विलेज फेयर, और विलेज फेयर भी आप लिख सकते हो और लोकल फेयर भी लिख सकते हो, इस तरीके से जो आपको लिखना है बहुत ही सिंपल है, आराम से जो है आराम से आप लिख सकते हो। अब अंत में जो है आपका कौन सा, देखिए यहाँ पर जो है आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा, देखिए कुछ ना कुछ आपको दिख रखा है, कंप्यूटर वगैरह कुछ आपको दिख रहा है, वो बीच में सबसे पहले लिख रखा है इंटरनेट, मतलब कहीं ना कहीं ये जो पैराग्राफ है वो इंटरनेट के ऊपर है, और इंटरनेट के ऊपर भी जो है ना मैंने आपको दे रखा है, ठीक है, बता रखा है, ये तो जो है सबसे मोस्ट है, और भी मैं 3-4 आपको बताता हूँ वो भी जो आपको पढ़ने हैं, सिंपल है, आपके कोई गाइड में वगैरह मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमें रिक्वेस्ट कर सकते हो जिससे जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं इंटरनेट के ऊपर, देखिए क्या बोल रखा है, इंटरनेट इज अ ब्लेसिंग ऑफ साइंस टू अस, इंटरनेट इज अ डिफाइंड एज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स डेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, देखिए बोल रखा है कि इंटरनेट जो है ना वो विज्ञान का हमें एक क्या है, हमें एक आविष्कार है, हमारा जो है ना एक दिया गया व्यवधान है, इंटरनेट जो है ना उसको ग्लोबल नेटवर्क मतलब वैश्विक नेटवर्क जो कंप्यूटर है उनका एक वैश्विक नेटवर्क है जो कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन और जानकारी और दूर संचार प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नाउ यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है ना, मतलब जो पूरे दुनिया के लोग हैं ना वो अब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, स्पेशली इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑफ द कोरोना, वो खास करके इस कोरोना की महामारी में, बाई यूजिंग द इंटरनेट वी कैन टीच स्टडी लर्न एट होम सेफली, इंटरनेट का उपयोग करके हम जो है वो घर बैठे पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, हम जो है वो कमा सकते हैं, कुछ भी जो है वो कम से काम कर सकते हैं वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से, वी कैन टीच स्टडी लर्न एट होम सेफली, वी कैन डू अवर बिजनेस एट द
एट होम एंड अर्न मनी। हम घर बैठे जो है ना हमारा बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं और साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। इन दिस सिचुएशन द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड, इन दिस सिचुएशन द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू इच अदर बाई द इंटरनेट। इस स्थिति में भी जहाँ पर घर से बाहर निकलना भी जो है मुश्किल हो पा रहा है, इस स्थिति में भी जो है ना पूरा संसार आपस में कनेक्टेड है। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। सो द इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल टू अवर लाइफ। इसलिए इंटरनेट जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही यूजफुल है। तो यह है इंटरनेट के ऊपर पैराग्राफ। अब देखिए ये जो है ना मोस्ट है, इसमें से जो है आपको एक आदता आनी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए आपको जो है ना ये जो आपको विजुअल पैराग्राफ है ना, इसमें दो तरीके के आपको पूछते हैं, जैसे कि ये दो पूछ गए ना। अब हो सकता है कि इस साल आपको जैसे कि पूछ ले नरेंद्र मोदी के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर, ठीक है ना, साथ साथ इस तरीके से जो है आपको पूछ सकते हैं किसी के ऊपर टिप्पणी, जैसे कि ताजमहल हो गया। तो आप जो है ना मैं यहाँ पर आपको मोस्ट टॉपिक बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखिए ताजमहल, ताजमहल के ऊपर इस साल आपको जो है पूछा सकता है। दूसरा है आपको महात्मा गांधी, ठीक है, इन दो के ऊपर जो है आपको पैराग्राफ पूछा जा सकता है। तो इन दोनों के ऊपर जो है आप याद कर लीजिए ताकि जो है आपको काम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो लाइक ठोक लीजिए। अगला वीडियो अगले दिन ही आ जाएगा, अब कोई जो है देरी होगी नहीं। और अगला वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो के 5 नंबर जो आप मिस मत कीजिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ।